तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि फिलहाल चल रहा है लॉकडाउन, तो मैं किधर बाहर जा नहीं सकता। तो जो आजकल लोग है वो तो स्टोरी टेलिंग लोग होने वाला है, लेकिन फिर भी वीडियो के माध्यम से मैं आपको घुमाने जरूर लेके जाऊंगा। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एसके महाराष्ट्र पे। और अभी महाराष्ट्र की बात आई और मैं महाराष्ट्र के बारे में बात ना करूँ ये तो नाइंसाफी होगी। तो दोस्तों आज मैं आपको महाराष्ट्र के उन 5 किलो के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ मैं खुद गया हूँ और आपको भी घूमने जाना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में एक टिप भी बताऊंगा जो आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि जब आप वहाँ घूमने जाओगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों नंबर 5 पे है शिवनेरी किला, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मस्थान भी है। इस किले के ऊपर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मस्थान, छत्रपति शिवाजी महाराज और माता जिजाऊ की सुंदर प्रतिमा और माता देवी शिवाई का मंदिर भी दिखाई देगा, जिनके नाम से छत्रपति शिवाजी महाराज का नामकरण भी हुआ। और दोस्तों किले पर आपको बादामी तालाब और सुंदर बगीचे भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जब भी आप नॉर्थ पुणे जाओ तो ये किले को जरूर भेट देना। तो नंबर 4 पे सिंहगढ़ फोर्ट, जो पुणे से 35 किलोमीटर दूर खड़कवासला में स्थित है। यह बताया जाता है कि यह किला 2000 साल पुराना है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, पर 1670 में हुई नरवीर तानाजी मालुसरे और उदय भान के बीच की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती है। ये किले का नाम पहले कोंडाना हुआ करता था, पर जब 1670 की लड़ाई के बाद इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज ने बदल के सिंहगढ़ रख दिया। तो दोस्तों आपको ऐतिहासिक अवशेष देखने हैं तो सिंहगढ़ को जरूर भेट दें। अभी हम बात करेंगे उस किले के बारे में जो स्वराज की पहली राजधानी रह चुकी है। तो मैं बात कर रहा हूँ राजगढ़ के बारे में, जो सिंहगढ़ से थोड़ा ही दूर है और महाराष्ट्र के सभी किलों में सबसे ऊंचा किला भी है। यह एक ऐसा किला है जिसके ऊपर आपको एक और किला देखने को मिलेगा। राजगढ़ किले पे आपको महारानी सहीबाई का समाधि स्थल भी देखने को मिलेगा। और अगर आपको यह किला देखने जाना है तो बारिश का मौसम बेहद खास है, क्योंकि तब यह किला दिखने में बहुत ही भव्य लगता है। इसलिए राजगढ़ को किंग ऑफ द ऑल फोर्ट्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों हमारी लिस्ट पे नंबर 2 पे है प्रतापगढ़, जो उसकी नाम की तरह ही महाप्रतापी और भव्य है। वैसे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के सभी किले भव्य है, पर इसकी कहानी कुछ अलग है। छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच 1659 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद इसका नाम प्रतापगढ़ रख दिया। जब आप इस किले पे जाओगे आपको महादेव का मंदिर, अफजल खान की समाधि, देवी भवानी माता का मंदिर और छत्रपति शिवाजी महाराज की सुंदर सी भव्य मूर्ति देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप जब भी सातारा जाओ तो एक बार इस किले को जरूर देखने जाना। अभी हम बात करने वाले हैं उस किले के बारे में जिसकी अगर बात नहीं करेंगे तो अधूरा सा लगेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ भारत के सबसे बड़े किले रायगढ़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा किला है जिसको घूमने में कम से कम 3 दिन तो चाहिए। और इस किले पे बहुत सारे स्थान है जिसे 5 मिनट के वीडियो में पूरा बताना नामुमकिन है। फिर भी दोस्तों यहाँ पे आपको शिवाजी महाराज का सिंहासन, उनकी समाधि और उनकी बहुत सारी प्रतिमाएं देखने को मिलेगी। और जी हाँ दोस्तों, यह स्वराज की दूसरी राजधानी भी रह चुका है। तो दोस्तों आपको कुछ असाधारण देखना है तो लाइफ में एक बार रायगढ़ को जरूर भेट देना। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी उन 5 किलो के बारे में जहाँ मैं खुद गया हूँ और आपको भी जाना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक टिप बताने वाला, तो टिप कुछ ऐसी है कि जब भी आप उन किलों पे घूमने जाओ तो उधर कचरा मत फैलाना और उन वस्तुओं का नुकसान मत करना, क्योंकि शिवाजी महाराज और उनके सुरवरों ने बड़ी मेहनत से उनका निर्माण और जतन किया है, तो उनका कुछ आदर और सम्मान रखना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में एक सनसनी खबर के साथ। बाय।